वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वैक्यूम क्लीनर बनाने वाले हैं। हर्ष एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, ये मैंने बोर्नविटा का एक डब्बा लिया प्लास्टिक का, ये इजीली आपके घर में मिल जाएगा और इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। आप वीडियो पे पूरी बने रहिए किस तरीके से कट करेंगे हम। ये मैं ब्लेड से कट कर रहा हूँ। अगर आप छोटे बच्चे हो तो बड़े की मदद ले सकते हो, और क्योंकि ये आपके हाथों में भी लग सकता है। ये मैंने बोर्नविटा का जो ऊपर कवर लगा था ये मैंने निकाल लिया है और इसे बीच में से कट कर लिया है, ईजिली कट हो जाएगा। और ये प्लास्टिक का जो ढक्कन था उसे भी यूज़ में लेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, और मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। आप वीडियो 100% सक्सेसफुल रहेंगी और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये मैंने एक मोटर ली है, ये टॉय मोटर है, और एक फ़ैन है जो इसमें लगा रहता है। अगर आपको नहीं मिले तो मैं अगली वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि इसका फ़ैन प्रोपेलर जिसे कहते हैं वो कैसे बनाते हैं। और ये मैंने जाली लिया है, कपड़ा एक जाली, आप कोई भी ले सकते हो, आपके घर में इजीली मिल जाएंगी। और हम इसको इस यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ और ये इजीली कट हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये कट करके रखा था। आप आराम से कट कीजिएगा, आपके हाथों में ना लगे। और ये मैंने आइस स्टिक ली है, आपको बताऊंगा ये इस समय इसको मैं यूज़ करूँगा। ये आपको इजीली मिल जाएगा, आप और कोई चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं एक होल कर रहा हूँ आइस स्टिक के साइज का, एक कट लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो पे बने रहिए। हमने दोनों साइड में कट लगा लिए हैं और आइस स्टिक लगा देंगे। ये देखिए, ये इजीली आइस स्टिक लग जाएंगी यहाँ पे, देखिए इजीली, और ये इजीली लग जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए, हम इसे इस तरीके से लगा लेंगे और इसमें एक मोटर फिक्स करनी है, आपको तो पता है। और ये प्रोपेलर सीधा घूमना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और हमें इसे आइस स्टिक के ऊपर चिपका लेना है, देखिए इस तरीके से चिपका लेना है और ये इजीली चिपक जाएगा। मैं इसे टेप से चिपका रहा हूँ, आप फेविक्विक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविक्विक मोटर के अंदर जा सकती है इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने एक ग्लू गन की वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और ये बिल्कुल ईजी लग गया है, हमने टेप से इसे कवर कर दिया है। ये मैंने आइस स्टिक निकाल के इसे बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है और ये वायरिंग बाहर तक है, आपको भी इस तरीके से वायरिंग रखनी पड़ेगी। देखिए, ये मैंने एक मॉस्किटो किलर की जो जाली होती है ना, बैडमिंटन मॉस्किटो किलर, उसकी जाली ली है। आप कोई भी जाली का यूज़ कर सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे हो तो ये आपके हाथों में लग सकती है, आप बड़े की मदद ले सकते हो। और इसे हमें कटोरा शेप दे देना है। आप वीडियो पे बने रहिए हम किस तरीके से बनाते हैं, और ये बिल्कुल वर्केबल बनेगा। मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। आप घर में पड़ी पुरानी कैंची का यूज़ कर सकते हो, ये जाली बहुत पतली होती है और ये इजीली कट जाएगी। आप बड़े की मदद ले सकते हो इसे कट करने में। हमें बिल्कुल इसे कटोरा शेप दे देना है। ये देखिए, ये मैंने कट करके रखा था, वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये मैंने पहले ही बना के रखा था। और इसे हम इस तरीके से गोल कर लेंगे और इसे इस तरीके से चिपका लेंगे। आप इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये आपके इजीली घर पर मिल जाएंगे। अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अच्छे से नहीं वर्क करती इसलिए ये मैंने इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ किया है। और ये बिल्कुल अच्छे से चिपका लेना है। ये देखिए, ये मैंने पहले से चिपका लिया है, अभी जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये मैंने पहले ही चिपका के रख दिया था इलेक्ट्रिक टेप से। ये मैंने बिल्कुल कवर कर लिया है और ये जाली टच नहीं होनी चाहिए प्रोपेलर में, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। हम आइस स्टिक को कट कर लेंगे, देखिए किस तरीके से कट करते हैं। और ये हम आइस स्टिक को कट कर लिया है, एक साइड से हम रन देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से कट हो चुका है और इसे हम इन्हें फिक्स करना है बाद में। और ये मैं हम वायरिंग कर लेंगे हम। आप मोटर का सिंपल वायरिंग है, प्लस और माइनस, और अगर आप उल्टी तार लगा दोगे तो ये उल्टा घूम
चेक कर सकते हो कि ये किस साइड से बिल्कुल प्रोपेन और सीधा घूमता है, और आप प्लस माइनस चेक कर सकते हो, और इसे हम वायरिंग कर लेंगे इजीली मोटर पे। ये वायर थोड़ी छोटी पड़ रही थी इसलिए मैंने बड़ी वायर यूज़ की है, आप यूज़ कर सकते हो। और हम इस पर टेप भी लगा देंगे क्योंकि ये बार बार निकले ना, इसलिए हम इसे टेप से बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये इलेक्ट्रिक टेप ली है मैंने, आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो। और ये इजीली टेप लगा ली है, और ये हम जो जाली का कपड़ा लिए थे इसे लगा देंगे कि इसमें कचरा अंदर ना जाए, नहीं तो मोटर वर्क नहीं करेंगी और ये वैक्यूम क्लीनर वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड्स हम इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे गूंद की मदद से। आप फेविकिक का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये कपड़ा जल सकता है। आप गूंद का यूज़ कर सकते हो या फिर टेप का यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और हम ये प्लास्टिक का जो दूसरा हिस्सा था उसे अच्छे से लगा देंगे और बाकी हिस्सा कट कर देंगे। और ये बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया है लेकिन ये कपड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे ब्लैक टेप से कवर कर लेंगे और ये इसे बहुत अच्छी फ्रेशिंग देंगे हम। और ये बहुत अच्छा भी लगना चाहिए और ये बहुत अच्छा वर्क भी करेगा। आप वीडियो पर बने रहिए। और ये बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर जैसा दिखने लगा है अभी अभी। इसे हम और अच्छे से बनाएंगे। और ये मैंने एक जो बोरमीटर का ढक्कन है उसे होल कर दिया है कट करके, और ये इजीली कट हो जाएगा। और ये मैंने एक पाइप लिया है जो पानी भरते ना फ्रेंड्स, वही पाइप है। आप कोई भी पाइप इसे यूज़ कर सकते हो, ये वैक्यूम क्लीनर में यूज़ होगा। और ये बिल्कुल अच्छे से हमें लगा देना है फिट करके। और हम एक खड्डा लेंगे गोल सर्कल, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का ढक्कन है वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसे इसके ऊपर कवर करना है कट करके बिल्कुल गोल। और इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। ये देखिए ये कट हो चुका है, आप बड़े की मदद ले सकते हो अगर आप छोटे हो तो। और इसके ऊपर इस तरीके से हमें चिपकाना पड़ेगा। ये देखिए हमें यहाँ पे एक सर्कल करना पड़ेगा होल पाइप के लिए, और ये होल हो चुका है। इसे हम इस तरीके से चिपका लेंगे और ये चेक करके देखेंगे कि ये बिल्कुल फिट होता है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही तरीके से फिट हो रहा है। ये देखिए वैक्यूम क्लीनर की लुकिंग बहुत अच्छी लगेंगी। इसे हम गूंद से फेविकॉल से बिल्कुल अच्छे से चिपका लेंगे क्योंकि फेविकॉल बहुत अच्छा होता है। आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो। और ये बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से चिपकाना है हमें। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ग्लू लग चुकी है। और ये हम एक ग्लू का एक टुकड़ा लेंगे, जो गूंद था वेस्ट हमने प्लास्टिक लिया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसे हम मजबूत और लुकिंग में अच्छा बनाएंगे। ये मैंने ब्लैक टेप लिया है इलेक्ट्रिक, आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है, इससे डिज़ाइन भी आ गई है। और ये मैंने वायर लिया है लोहे की, आप बच्चे हो तो बड़े की मदद ले सकते हो। और ये मैंने टीन लिया है एक वैक्यूम क्लीनर का जो सामने का हिस्सा होता है ना फ्रेंड्स, वो बनाने के लिए, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर वो बहुत अच्छा दिखेगा उसकी वजह से। और कचरा जिस तरीके से खींचेगा ना फ्रेंड्स, आप हैरान रह जाओगे, बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। इसे हम वायर से बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लिया है और ये बिल्कुल मजबूत हो गया है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, और ये फिट भी हो रहा है। वाह फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा बन चुका है। अब हम जो ये मैंने ग्लू गन बनाई थी ना फ्रेंड्स, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी वर्क करती है। और ये हम एक पाइप लेंगे इसका हैंडल बनाने के लिए, और ये कड़क वायर लेंगे, और ये बहुत अच्छी हम हैंडल बनाएंगे इस तरीके से, और बाद में पाइप लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छा दिखेगा। इसे हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ये कट हो चुका है ये वायर, इसे हमें इस तरीके से लगा देना है। और ये मैंने स्क्रू लिया है, एक तरफ से मैं स्क्रू लगा दूंगा पेचकस से मदद से,
आप वीडियो पे बने रहिए और इसे अच्छे से लगाना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और इसे हम कस लेंगे पेचकस से मदद से और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ से हम टेप से जॉइंट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे स्क्रू नहीं लगा सकते हम, और टेप से अच्छे तरीके से लगा देना है। और ये हम इसकी टेस्टिंग में करेंगे। वाह फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता, ये रियल वीडियो है। आप वीडियो पे देख ही रही हो कि वैक्यूम क्लीनर कितना अच्छा काम कर रहा है। आप इससे घर पे साफ सफाई कर सकते हो, कज्जे वगैरह पे या फिर फ्रिज वगैरह के ऊपर, जैसे टीवी वगैरह के ऊपर धूल जम जाती है ना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।